पहले जो फ्लिप फोन वगैरह आता था वो 1 लाख से ऊपर के बजट में आता था, लेकिन अभी अंडर 50,000 में बहुत ही बढ़िया फ्लिप फोन सब आने लगा है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप के बारे में, जो कि अभी अभी आया है और ये आपको 50,000 के बजट में मिल जाएगा, उससे कम में मिलेगा दोस्तों। और इसे हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में मोटोरोला रेजर 50 के साथ, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा 50,000 बजट का फ्लिप स्मार्टफोन है। तो इन दोनों को इन डिटेल कंपेयर करेंगे, देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये फ्लिप फोन है तो यहाँ पे ऊपर आपको कवर डिस्प्ले मिलता है छोटा सा, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में 3.64 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और ये सेगमेंट का सबसे बड़ा कवर डिस्प्ले है दोस्तों। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है और ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छा दिया गया है दोस्तों, 1100 nits का। और यहाँ पे आप लिटरली सब कुछ कर पाएंगे जो आप इसके मेन डिस्प्ले में कर पाएंगे, गेम वगैरह भी खेल पाएंगे, विजेट्स वगैरह लगा पाएंगे, कैलेंडर वगैरह सब कुछ दोस्तों आप इसमें रख पाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज है। और प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है, तो कवर डिस्प्ले इसमें आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मोटोरोला रेजर 50 में आपको 3.63 इंचेस का फुल एचडी प्लस पीओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि मोटा मोटी सेम ही डिस्प्ले साइज है दोस्तों। यहाँ पे 3.64, यहाँ पे 3.63, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है और 1700 nits का पीक ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और इसमें आप कवर डिस्प्ले में बहुत सारा चीज कर पाएंगे, विजेट्स वगैरह लगा पाएंगे, कस्टमाइज एप्स वगैरह भी लगा पाएंगे, तो ये भी सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको कर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी मेन डिस्प्ले के बारे में बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको फ्लिप फोन में जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका जो हिंजेस है वो हम कितने बार ओपन क्लोज कर पाएंगे। तो दोनों ही मोटोरोला रेजर 50, इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप, दोनों ये दावा करते हैं कि 4 लाख टाइम्स तक आप इसे ओपन क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मान लीजिए आप अगर दिन में 100 बार भी खोलते हैं तो नियरली 11 इयर्स तक ये चल जाएगा, इतना तो नहीं जाएगा लेकिन 5-6 ईयर तो डेफिनेटली ये चल जाएगा। तो अभी मेन डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में डिस्प्ले बिल्कुल सेम दिया गया है दोस्तों, 6.9 इंचेस का बड़ा सा फुल एचडी प्लस LTPO AMOLED डिस्प्ले। दोनों में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में आपको 1400 nits का ब्राइटनेस दिया गया है, जबकि मोटोरोला में आपको 3000 nits का ब्राइटनेस दिया गया है। तो मेन डिस्प्ले में कहूंगा दोनों का मोस्टली करीबन सेम ही दिया गया है, ब्राइटर ज्यादा है रेजर 50 इन्फिनिक्स के कंपैरिजन में, लेकिन बाकी सारे चीज डिस्प्ले में आपको करीबन सेम ही देखने को मिलेगा, तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले में। लेकिन जब हम प्रोसेसर के बारे में बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो यहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यहां पे इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में आपको डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है दोस्तों। अंतुतु स्कोर इसमें आपको 7.5 to 8 lakh के करीब देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। LPDDR4X RAM दिया गया है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और वही दूसरी तरफ मोटोरोला रेजर 50 में आपको डायमेंसिटी 7300X प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है और ये 7300 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल डिस्प्ले वगैरह देना होता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 7300X दिया गया है। इसमें आपको अंतुतु स्कोर मोस्टली 6.5 lakh के करीब देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है, UFS 3.1 होना चाहिए था दोस्तों। खैर उसके अलावा अगर UI के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्फिनिक्स में आपको XOS 14.5 देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे मोटोरोला रेजर 50 में आपको हेलो UI देखने को मिलता है, जो कि ऑल्सो बेस्ड है एंड्रॉइड 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और यहाँ पे आपको दोनों में बहुत सारा AI फीचर भी दिया गया है भर भर कर, तो वो सब में कोई दिक्कत नहीं आएगा और अपडेट्स के साथ AI फीचर भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होते जाएंगे, तो UI वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पे अच्छा दिया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इन्फिनिक्स थोड़ा बेहतर बन जाता है मोटोरोला रेजर 50 के कंपैरिजन में। लेकिन अभी अगर हम कैमरा के बारे में बात करें, इन्फिनिक्स में आपको इतना ज़्यादा वाव कैमरा देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सेंसर कौन सा वाला दिया गया है सब मेंशन नहीं किया गया है। 350 megapixel का कैमरा दिया गया है दोस्तों, 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, 50 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 megapixel का फ्रंट कैमरा। इसमें आपको डिसेंट सा फोटोग्राफी एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों, ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, तो ये आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर मत रखिए कि कैमरा बहुत ही अच्छा आएगा, डिसेंट सा कैमरा परफॉर्मेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मोटोरोला रेजर 50 में आपको कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा प्राइमरी कैमरा में। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, सेम ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है,
13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एज वेल एज मैक्रो डुअल फंक्शन कैमरा दिया गया है और एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये भी दोस्तों कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, इस प्राइस में आपको फ्लिप फोन मिल रहा है उतना ही बहुत है। कैमरा इसमें आपको वाव नहीं आएगा, लेकिन डिसेंट फोटोग्राफी एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा नो डाउट। लेकिन अगर हम वीडियोग्राफी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोटोरोला रेजर 50 में आप दोनों फ्रंट एंड रियर कैमरा में 4K वीडियो 30 FPS में शूट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में आप रियर कैमरा में 4K वीडियो 60 FPS में शूट कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, फ्रंट कैमरा में 4K वीडियो 30 FPS में शूट कर पाएंगे। और उसके अलावा अभी बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली बड़ा बैटरी मिल रहा है इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में 4720 mAh का 70 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। जबकि मोटोरोला रेजर 50 में आपको 4200 mAh की बैटरी मिल रहा है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ और 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रहा है। देखिए वायरलेस चार्जिंग इतना बड़ा बात नहीं है, 15 वाट का ही दिया गया है इसमें, अच्छा है, लेकिन फास्ट चार्जिंग इसमें आपको ज्यादा मिल रहा है और बैटरी भी बढ़ा दिया गया है इन्फिनिक्स में, तो डेफिनेटली बैटरी कंपैरिजन में इन्फिनिक्स थोड़ा बेहतर बन जाता है मोटोरोला से। और उसके अलावा दोनों में आपको 5G मिल रहा है, दोनों में डुअल 4G फुल्टी दिया गया है, इन्फिनिक्स में आपको वाईफाई 6 मिल रहा है, मोटोरोला में वाईफाई 6E, इन्फिनिक्स में ब्लूटूथ 5.2 मिल रहा है, मोटोरोला में ब्लूटूथ 5.4, दोनों में आपको NFC दिया गया है। और इन्फिनिक्स में आपको IP रेटिंग कौन सा दिया गया है मेंशन नहीं किया गया, मोस्टली नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन यहां पे मोटोरोला रेजर 50 में आपको IPX8 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इन्हीं सब के साथ अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप में आपको एक ही वेरियंट देखने को मिलता है 8GB रैम विद 5.2GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट, जिसका कीमत है दोस्तों 49,999 रुपीज, और इसमें आपको इनिशियली 5,000 का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ये हो जाता है 44,999 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला रेजर 50 का जो प्राइस है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट का, वो है दोस्तों 64,999 रुपीज, और इसमें आपको 10,000 का बैंक डिस्काउंट और 5,000 का कूपन भी मिल रहा है, तो ये आ जाता है आपको 49,999 रुपीज का। तो 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट मिल रहा है 50,000 में, यहाँ पे 512GB स्टोरेज वाला वेरियंट मिल रहा है 45,000 में, और दो तीन चीज में इन्फिनिक्स थोड़ा बेहतर बन जाता है मोटोरोला के कंपैरिजन में। तो यही था इस वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।